बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है, गाड़ी क्लच जल्दी क्यों ख़त्म करती है। दोस्तों, आज मेरी वीडियो का टॉपिक किस पर है, क्लच किस वजह से जल्दी ख़त्म होता है और क्यों जल्दी ख़त्म होता है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ सके। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं आपको सबसे मेन वजह बताऊंगा गाड़ी क्लच जल्दी क्यों ख़त्म करती है। आज मेरा टॉपिक इस पर है। दोस्तों, एक तो गलत ज़ोर लगाने से क्लच ख़त्म हो जाता है और दूसरा, दोस्तों सबसे अहम मसला मैं आपको बताऊंगा क्लच किस वजह से जल्दी ख़त्म होता है। दोस्तों, मैं गाड़ी में बैठ के फिर आपको डिटेल से बताता हूँ। दोस्तों, मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ। सबसे अहम बात मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि गाड़ी का क्लच क्यों जल्दी ख़त्म होता है। दोस्तों, आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा। सबसे पहले बस दोस्त क्लच के ऊपर पांव रखकर गाड़ी चलाते हैं। मेरे दोस्तों, जब आप गाड़ी के गियर शिफ्ट करने के बाद फौरन क्लच से पांव उठाना चाहिए। जब गाड़ी आप चौथे या पांचवें गियर में चलाते हैं तो बस दोस्त क्लच के पैडल के ऊपर पांव रख लेते हैं। ये गाड़ी पांचवें गियर में चल रही है, बस मेरे दोस्त इस तरह करते हैं कि ये क्लच के पैडल से पांव नहीं उठाते। दोस्तों, जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, सबसे पहले जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं करने के बाद आप जब गियर शिफ्ट करने लगें तो उस सूरत में आप क्लच को दबाएं। गियर शिफ्ट करते वक्त जब गाड़ी आपके चौथे या पांचवें गियर में चली जाए, अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर हैं, मोटरवे पर हैं, तो दोस्तों क्लच के पैडल से पांव बिल्कुल हटा के रखना है, क्योंकि अगर पांव इसके ऊपर रखेंगे अंदर क्लच अंदर से, जब गाड़ी गर्म होती है, क्लच गर्म होता है तो हल्का सा पांव रखने पर अंदर क्लच प्लेट हल्की हल्की घूमती रहती है, साथ स्लिप करती रहती है। हल्का सा पाँव रखते हैं। जिन दोस्तों की गाड़ियों के क्लच ऊपर हैं वो तो बिल्कुल पाँव इसके ऊपर टच भी ना करें गाड़ी जब चौथे या पांचवें गियर में चल रही है। जिन दोस्तों की गाड़ी अगर नीचे का क्लच काम कर रहा है उसको आप उसके ऊपर भी पाँव ना रखें, क्योंकि अंदर जब क्लच गर्म होता है तो हल्का सा पुश करने पर वो फ्री हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर आपका क्लच प्लेट जोर लगाती रहती है, हल्का हल्का स्केट करती रहती है पाँव रखने पर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों इसमें, जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, ड्राइव करने के बाद चौथे या पांचवें गियर में गाड़ी का क्लच के ऊपर पांव बिल्कुल ना रखें, क्योंकि पांव जब आप रखते हैं तो हल्का हल्का क्लच स्लिप करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों इसके क्लच ख़त्म होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आप गाड़ी के क्लच के पैडल के ऊपर पांव रखते हैं तो इस वजह से अंदर क्लच स्लिप करता रहता है, उस वजह से गाड़ी क्लच जल्दी ख़त्म करती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सही समझ आ गई होगी। अब दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको नीचे प्रेशर प्लेट फ्लाईव्हील में फिट करके फिर आपको डिटेल से थोड़ा सा समझाऊंगा। दोस्तों, ये मेरे पास एक फ्लाईव्हील और क्लच प्लेट है और ये प्रेशर प्लेट है। दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर लूं। जब आप गाड़ी चौथे या पांचवें गियर में चलाते हैं, क्लच बैरिंग इसको हल्का सा पैडल के ऊपर पांव रखते हैं
जब आप पाँव रखते हैं तो हल्की हल्की क्लच प्लेट अंदर से स्लिप होती रहती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसका जब आप गाड़ी को गियर लगाने के बाद फ़ौरन क्लच के पैडल से फ़ौरन आपने पाँव उठाना है, जब आप लॉन्ग ड्राइव पर हैं तो आपने बस गियर शिफ्ट करके पाँव बिल्कुल उसके ऊपर नहीं रखना। जब आप पाँव ऊपर रखेंगे तो ये गाड़ी अंदर से हल्का हल्का क्लच स्लिप कर जाती है, तो उस वजह से जो है ना क्लच हमारा जल्दी ख़त्म होता है। सबसे मेन प्रॉब्लम इसमें क्लच में क्लच ख़त्म होने की, इसके ऊपर पाँव रखना है। दोस्तों इस तरह मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। लाइक और शेयर लाजमी करना है और कमेंट में आपने बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।